अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है कंडेंस मैटर फिज़िक्स का। दिस इज लेक्चर नंबर 22, और जैसा कि पिछला लेक्चर 21 था, लेकिन उसको मैंने वीडियो में लेक्चर नंबर 19 बोला हुआ था, लेकिन फिर उसकी जो नंबरिंग है वो चेंज की गई सीक्वेंस में, तो वो 21 लेक्चर है। अब ये दिस इज़ लेक्चर नंबर 22, उसी लेक्चर की ये कॉन्टीन्यूटी में है, वो फिनिश नहीं हुआ था कम्प्लीटली। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके एक रिलेशन बनाया था, जिसको हमने कहा था कि एक्सपोनेंट ई एफ ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू माइनस वन प्लस, हमने प्लस माइनस के साथ था ना, तो हमने सिर्फ प्लस वाला कंसिडर करना है, माइनस वाला हम इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और ये साथ बनेगा वन प्लस 4nd ओवर n नॉट e की पावर eg माइनस e2 ओवर kbt। ठीक है, साथ हमारे पास क्या था, ओवर 2a, और a हमारे पास था e की पावर माइनस e2 ओवर kbt। तो हमने जो फर्स्ट अटैम्प्ट की थी उसमें हमने दो लिमिटेशंस ली थी। एक लिमिटेशन हमने ली थी कि सेकंड टर्म बहुत स्मॉल हो जाए, ये वाली जो टर्म है दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन वन, तो अगर ये वाली टर्म बहुत स्मॉल हो जाए तो फिर बायनोमियल, अगर वन से कोई साथ वाली टर्म स्मॉल हो रही हो तो फिर हम बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला यूज़ करते हुए सीरीज़ को सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये वन प्लस एक्स की पावर 1/2 बन रहा था ना, तो 1 + nx इंटू एन माइनस एन वन n into n - 1 ओवर 2 फिक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, वो वाला हमने सीरीज से ओपन करके रिलेशन बनाया था। अब हम इसे सेकंड लिमिटेशन लिखेंगे लेंगे कंसिडर करेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है विच इज़ वन, वो बहुत स्मॉल है, फर्स्ट टर्म इज़ वेरी स्मॉल, तो उस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो किस तरह का आएगा। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास कौन सी वाली है, ये वाली, तो इसमें मैं लिख सकती हूँ यानी 4nd ओवर n नॉट e की पावर eg माइनस e2 ओवर kbt इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और यहाँ से मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा लाइक ये वाला, अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगी तो वन को मैं निगलेक्ट कर दूँगी, तो जब वन निगलेक्ट करूँगी तो ये फॉर्म मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगी, e की पावर ई एफ ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू 4nd बाय n नॉट e की पावर eg माइनस e2 ओवर kbt होल 1/2, बिकॉज वन मैं आप निगलेक्ट कर चुकी हूँ, ओवर 2 e की पावर माइनस e2 ओवर kbt। इसी को मैं आगे सॉल्व करती जाऊँगी, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो देखें यहाँ 4 है, ये 2 है, अभी कैंसिल भी हो सकते हैं, और भी क्या कुछ हमारे पास कैंसिल हो सकता है, कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स को भी ऊपर लेके जाऊँ, ये भी e2 है, ये भी e2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर वहाँ पर जस्ट क्या बच जाएगा वो हम देखेंगे, देन उसको हम एंटी लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास जब मैं 2 के साथ कैंसिल कर दूँगी तो ये बनेगा ef ओवर kbt इक्वल्स टू 2 टाइम्स nd। अब हुआ ये कि ये 4 है ना, और ये मेरे पास 1/2 है, तो जब 4 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, सही हो गया। और जाहिर सी बात है 1/2, इसके ऊपर भी 1/2 है, इसके साथ भी 1/2 है, तो 1/2 होगा तो 2kbt बन जाएगा। तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो ये बन जाएगा 2nd ओवर n नॉट की पावर 1/2 एंड e की पावर eg माइनस e2 ओवर 2kbt, और साथ आ जाएगा 2 टाइम्स e की पावर माइनस e2 ओवर kbt, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास बन गया e की पावर ef ओवर kbt इज़ इक्वल्स टू nd बाय n नॉट 1/2 e की पावर eg। अब ये जब ऊपर जाएगा
तो वो हमारे पास क्या बन जाए, और ये 2 KBT है और ये 1 KBT है, तो 1 - 1/2 जो होता है वो 1 हो जाता 1/2 हो जाता है, तो वो EG/E2/2 KBT बन जाएगा। ठीक है, 1 में से 1/2 निकालो तो 1/2 बच जाता है विद पॉजिटिव साइन। तो ये इसको इक्वेशन नंबर हम 6 कह देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को विद मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स बाय एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी। ठीक है, तो जो मेरे पास नेक्स्ट बनेगा रिलेशन वो होगा एन नॉट ई की पावर ई एफ माइनस ई जी ओवर के बी टी इज इक्वल्स टू एन नॉट एन डी ओवर एन नॉट की पावर 1/2 ई की पावर ई जी प्लस ई टू ओवर 2 KBT ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर ई एफ माइनस ई जी ओवर के बी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी भी यही वाली वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दूँगी इसके अंदर, यानी n नॉट में और इसमें, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा n इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म भी n हो जाएगी। ठीक है, एन नॉट एन डी ओवर एन नॉट 1/2 ई की पावर, इसको सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली ये वाला जो फार्मूला है ना इसके लिए यूज़ होगा, इसको भी मैं सॉल्व करके बनाऊंगी, ई जी माइनस प्लस ई टू माइनस 2 EG/2 KBT। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे लाइक n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 एन डी 1/2 ई की पावर ई 2 EG/2 KBT, बिकॉज ये मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये बन जाएगा और 2 KBT, देन n इज इक्वल्स टू, ये इसको मैं लिख सकती हूँ कंबाइन करके n नॉट n d 1/2 एंड e की पावर, अब ये जो e 2 - EG है इसको मैं लिखूँगी e कैपिटल G कर लें इक्वल्स टू EG - E2। ठीक है, तो ये विद नेगेटिव साइन आएगा ना, बिकॉज -2 EG है यहाँ पे, -2 EG जब EG में से माइनस होगा तो विद -EG साइन आएगा, तो वो -EG आ गया, और जो E2 - EG/2 KBT, तो यहाँ से हम EG को ले रहे हैं इक्वल्स टू EG - E2, और जब मैं इसको पुट करूँगी वैल्यू को तो ये मेरे पास बन जाएगी n इज इक्वल्स टू n नॉट n d की पावर 1/2 एंड e की पावर -EG/2 KBT। ठीक है, और क्या चीज़ समझ आती है हमें, जो चीज़ें कांस्टेंट है कौन कौन सी, लाइक बैंड गैप कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर स्पेसिफिकली किसी ख़ास टेम्परेचर पे लिया जाए वो, और साथ अगर मेरे पास एन नॉट जो जिसको हम इंट्रिंसिक कैरियर्स बोल रहे होते हैं वो भी अगर कांस्टेंट हैं, तो जो एन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एन डी 1/2 के, जो कि क्या है डोनर एटम्स, जितने भी डोनर एटम्स होंगे उसके अंदर जो एन होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे ही ये ज़्यादा डोनर एटम्स होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो एन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा और सिंपलीफाई फॉर्म में अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कुछ और फॉर्म बनाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो वो मेरे पास बन जाएगा ई एफ
और के बी टी ओवर के पी टी इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ एन डी ओवर एन नॉट प्लस ई जी प्लस ई टू ओवर 2 के बी टी। और इसको मोर सॉल्व और ज़्यादा सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन जाएगा ई एफ इज़ इक्वल्स टू के पी टी को आप इस वाले के पी टी को सारों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा के बी टी ओवर 2 लॉग ऑफ एन डी बाय एन नॉट प्लस ई जी प्लस ई टू बाय 2। के बी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं अब टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो पे बात करूँ फर्मी लेवल की, टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। तो ई एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई जी प्लस ई टू बाई 2 को। इसका क्या मतलब है कि एट लो टेम्परेचर फर्मी लेवल लाइज बिटवीन ई जी एंड ई टू। सिंस कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास किस तरह से हम कंडक्टिविटी को शो करते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई मल्टीप्लाई एंड मोबिलिटी म्यू ई। और अब मैं मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन 7 को, एंड विच वॉज इक्वेशन 7, ये मेरे पास थी इक्वेशन नंबर 7, दिस इज, ठीक है ये वाली, इसको हम नाम देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 7 जो है एन इज इक्वल्स टू एन नॉट एन डी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस ई जी ओवर 2 के बी टी। इस इक्वेशन को आप कंसिडर करें और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें एन ई के साथ दोनों साइड्स पे, तो वो मेरे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय ई म्यू ई, तो वो बनेगी एन ई म्यू ई इज इक्वल्स टू एन नॉट एन डी 1/2 ई की पावर माइनस ई जी ओवर 2 के बी टी ई म्यू ई। और अब लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन ऑफ अबव इक्वेशन, तो ये बन जाएगा इसको लॉग ऑफ एन ई म्यू ई को हम सिग्मा ही कह देंगे, ठीक है लॉग ऑफ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा ही होता है ना, ये मैंने तो ऊपर लिखा है, इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई म्यू ई जैसा कि ये है, ठीक है साथ एन नॉट एन डी की पावर 1/2, ठीक है। अब ये माइनस है ई की पावर माइनस का मतलब क्या है, नीचे जाओगा तो जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी जब डिवाइड में होती है तो लॉग दोनों साइड पे अप्लाई होता है, तो पहली टर्म माइनस लॉग ऑफ अगली टर्म आ जाती है ना, तो ये माइनस लॉग ऑफ अगली टर्म होगी और ई के साथ वो लॉग कैंसिल होकर सिर्फ पीछे क्या रह जाएगा, ई जी ओवर 2 के बी टी, ठीक हो गया। अब हम क्या करें, अगर मैं बात करूँ फॉर ग्राफ प्लॉट करने की, किसके और किसके दरमियान लॉग ऑफ, इफ़ वी प्लॉट प्लॉट बिटवीन लॉग सिग्मा एंड वर्सेस 1/t, तो जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल होगी, स्लोप विल बी इक्वल्स टू माइनस ई जी बाय 2। किस तरीके से, अगर ये वाली टर्म लॉग ई है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये तो सारी मेरे पास क्या एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है मोबिलिटी है, इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं और ये मेरे पास डोनर कंसंट्रेशन है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में बात करूँ तो ये चीज़ें सारी की सारी कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो मैं अब स्लोप ड्रॉ करने लगी हूँ किसके दौरान, ये देखो 1/2 स्लोप का मतलब क्या होता है, वाई बाय एक्स, ऐसे ही अगर ये मेरे पास वाई है तो ये मेरे पास एक्स है, तो एक्स मेरे पास क्या है 1/t, ठीक है इधर 1/t है ना, तो ये मैं 1/t कर दूंगी, तो ये वाली टर्म अगर छोड़ दी जाए तो वो किसके इक्वल पीछे रह जाएगा, ई जी बाय 2 के, तो लॉग सिग्मा वर्सेस 1/t की जो स्लोप होती है वो माइनस ई जी बाय 2 के है। और इस रिलेशन को, ये जो मैंने रिलेशन बनाया, इस रिलेशन को जब प्लॉट किया जाए तो प्लॉट करने से हमारे पास कैसा बिहेवियर आता है,
ये यहाँ पे वाई एक्सिस में आप कंसिडर करेंगे लॉग ऑफ सिग्मा, ठीक है, और ये 1/T, दिस इज़ नॉट टेम्परेचर बल्कि 1/T है, तो इसको याद रखना है। तो जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से चल रहा है, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, ठीक है। तो इसमें जब मैं इसको प्लॉट करूँगी तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये ग्राफ इसका बनेगा। इसके डिफरेंट पोर्शन होंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो इसमें जो हमें मेन चीज़ बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है कि हाईएस्ट टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक कैरियर्स डोमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज जो लॉग सिग्मा है वो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से वाला टेम्परेचर है, हाईएस्ट 1/T। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि ज़ीरो के जब पास पास आप पहुँच रहेंगे, जितना आप ज़ीरो के पास रहेंगे उतना टेम्परेचर कम है, लेकिन 1/T है तो वो जो ये टर्म है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको एट हाईएस्ट टेम्परेचर बोल रहे हैं, ठीक है। तो एट हाईएस्ट टेम्परेचर इंट्रिंसिक कैरियर्स डोमिनेट एंड द स्लोप ऑफ द कर्व, जो कि क्या है, Eg/2, वो हमारे पास Eg/2 हो जाएगी। कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हम हाईएस्ट टेम्परेचर बोल रहे हैं, बिकॉज ये मेरे पास 1/T है, नॉट टी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर होता तो ये लोएस्ट टेम्परेचर होता, लेकिन अगर 1/T अगर प्लॉट हो रहा है तो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर मेरे पास इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो कि लॉग सिग्मा मैंने लिया है, लॉग सिग्मा विच इज़ इक्वल टू NE μe, यहाँ पे NE μe, तो N बेसिकली कैरियर कंसंट्रेशन है, तो वो डोमिनेट कर जाएंगे एट हाईएस्ट टेम्परेचर। तो वो चीज़ बताई हुई है, और साथ उसके जैसे जैसे टेम्परेचर में डिक्रीज है, 1/T में बेसिकली कहाँ डिक्रीज आता जाएगा, 1/T में इंक्रीज आएगा और टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा, तो वो हमारे पास जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो भी कम होते जाएंगे। यानी आप 1/T में इंक्रीज़ जबकि टेम्परेचर में डिक्रीज़, तो आपको पता है जब टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है तो ही कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, तो बस उस चीज़ को हमने रिलेट किया हुआ है थ्रू दिस इक्वेशन। तो यहाँ तक आपका टॉपिक फिनिश हो गया, जिसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली कवर की हैं, थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ के किस तरीके से इम्प्योरिटीज़ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट आयोनाइज्ड होती हैं, और बैंड गैप के ऊपर, कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर, कंडक्टिविटी या मोबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करती हैं। सो दिस होल 21 लेक्चर एंड 22 लेक्चर वाज अबाउट थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। सो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।